हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लैपटॉप या फिर कीबोर्ड की जो भी प्रॉब्लम होती है वो 100% सोल्व होने वाली है। तो आपको बता दूँ, अगर आपके लैपटॉप या फिर कीबोर्ड के अंदर जो भी है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो ये 100% सोल्व होने वाली है, अदरवाइज अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो ये सोल्व नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले करना है कि आपको विंडो एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे विंडो एरो पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली मैनेज वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ फिर वो करना क्या है, लेकिन आपको बता दूँ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपने वीडियो ज़रा सी भी कट कर दी तो पूरी तरीके से प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को पूरा वॉच ही करना आपको। तो यहाँ पर 100% आपकी सोल्व होने वाली है लैपटॉप कीबोर्ड की प्रॉब्लम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस आने वाला है, तो उसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा। तो कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद, इस तरीके के इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डिवाइस मैनेजर पे जाके। तो यहाँ पर आपको जो लैपटॉप या कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, कई बार वो वर्क नहीं करता है, इस वजह से भी हमारा कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है। तो सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर पे चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पे चला जाता हूँ और आपको बता दूँ लैपटॉप या कीबोर्ड की 100% सोल्व होने वाली है प्रॉब्लम। तो जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कीबोर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो आपके इधर उधर भी हो सकता है, तो मेरा सिंपली यहाँ पर लगभग 5 नंबर पर मेरा कीबोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका कीबोर्ड वाला ऑप्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आ जाता हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक उसके नीचे एक ड्राइवर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। तो देख लीजिएगा आपके में ड्राइवर है कि नहीं है, तो मेरे में ड्राइवर है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करना मैं बता दूंगा, आप चाहें तो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अपडेट ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि हमें ये ड्राइवर एक बार अपडेट करके भी ट्राई कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर चले जाता हूँ और यहाँ पर अपडेट ड्राइवर कर लेता हूँ। जैसे आप यहां पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा और यहां पर आने के बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि आप ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा ये अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जो भी आपके पास लैपटॉप या पीसी के अंदर है वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा कंप्यूटर में। तो अदरवाइज आप यहां से सर्च ऑटोमेटिकली यानी कि डाउनलोड नहीं कर पाता, तो यहां पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइव, अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर है तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सर्च कर रहे हो तो आपके में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो मेरे में इस टाइम इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मुझे अपडेट भी नहीं करना है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आपके में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब मैं बताता हूँ, अगर आपके इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, आपका लैपटॉप या फिर कीबोर्ड काम नहीं करता इसके बाद भी, तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा। तो सिंपली इसको पूरा देखिएगा वीडियो को और सेकंड स्टेप को समझिएगा। तो बाय द वे हमने ये प्रोसीजर ट्राई कर लिया, लेकिन इसके बाद भी हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो हमें फिर भी एक दिक्कत है, यानी कि इसके बाद अब करना क्या होगा। सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी कि और यहाँ पर आपको फिर उसी ड्राइवर पे चले जाना है जो कि आपने पहले किया था ट्राई। तो सिंपली यहाँ पर मैं जैसे कि उसी ड्राइवर पे वापस चला जाता हूँ, और तो जो हमने अपडेट किया था यानी कि अपडेट करने के लिए ट्राई किया था वही सेम ड्राइवर
अब हम करेंगे अनइंस्टॉल। तो देखिएगा किस तरीके से अनइंस्टॉल होता है और फिर क्या होता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपका कीबोर्ड है इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके में ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने ड्राइवर पर चले जाता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपको अनइंस्टॉल पे चले जाना है और इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अनइंस्टॉल पे इसको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देते हो, यानी कि ड्राइवर को जैसे आप अनइंस्टॉल कर देते हो, अनइंस्टॉल करने के बाद होना है क्या कि आपका जो भी ड्राइवर है वो बिल्कुल अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली एक प्रोसीजर होगा कि आपको अपना लैपटॉप या फिर पीसी रीस्टार्ट करना होगा, यानी कि आपका लैपटॉप या फिर पीसी आपको रीस्टार्ट करना होगा। उसके बाद 100% आपका ये जो कीबोर्ड है वो काम करने लग जाएगा, 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ। और यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बाय द वे रीस्टार्ट करके सिंपली ओपन कर देना है। तो जैसे आपने ये ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद सिंपली पीसी को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर ऑन हो जाएगा आपका सिस्टम और ऑन होने के बाद 99% काम करने लग जाएगा। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियोस बना दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जानकारी मैं और भी देता रहूँ। तो फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।